नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, हैदराबाद को पिछले साल भी ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का स्टेटस मिला था और ये ट्रेडिशन कंटिन्यू हुई और इस साल भी इसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का स्टेटस मिला है। इसके सिवा एक अच्छी न्यूज ये है कि मुंबई भी अब ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के स्टेटस से नवाजी गई है। तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड स्टेटस क्या होता है, देने वाली संस्था जो आर्बर डे फाउंडेशन है जो UNFAO के साथ मिलके देती है, तो आर्बर डे फाउंडेशन क्या है ये भी जानेंगे। साथ ही साथ हम अन्य कुछ इसी के आसपास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिन पर एग्जाम पे सवाल आ सकता है उन सबको कवर करने वाले हैं। तो प्रिलिम्स के पर्सपेक्टिव में ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से आप अंत तक जरूर सुनिएगा। जैसा आप न्यूज में देख सकते हैं, मुंबई को नेम किया गया है UN लिस्ट ऑफ द ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड एंड बहुत सारी सिटीज है जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है, उसमें से हैदराबाद के बाद अब मुंबई भी दूसरी ऐसी शहर बन चुकी है। और ये और किसने दिया है ये स्टेटस दिया है आप देख सकते हैं, FAO ने आर्बर डे फाउंडेशन के साथ मिलकर। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ पाथ फाइंडर पर। तो अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और सारे नोटिफिकेशन को अलाउ करें। तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर भी जुड़ सकते हैं जहाँ पर लेक्चर के बाद आपको PDF अपडेट्स भी मिल जाएंगे। इसके सिवा जब भी अनअकैडमी आए यूज कोड KC10, क्योंकि जो आप कोड यूज करते हैं तो इससे आपको मेरे द्वारा डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलती है एंड कोई ऑफिस स्टाफ नहीं, आप डायरेक्टली मेरे संपर्क में रहेंगे तो आप निश्चिंत होकर ये कोड यूज कर सकते हैं। और जो मेंटरशिप है ये सारी सब्जेक्ट्स ऑफ GS SA एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपको मिलती है। तो न्यूज में क्या है, न्यूज में है दोस्तों UN को रिकॉग्नाइज किया गया, UN ने रिकॉग्नाइज किया है मुंबई को एज द ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। एंड ये रिकॉग्निशन मुंबई को मिली है क्योंकि मुंबई ने कमिटमेंट शो की है वो अपने जो शहर में जो पेड़ हैं उसको प्रोटेक्शन के लिए, उसकी ग्रीनरी की एक्सपेंशन के लिए काफी तेजी से काम कर रही है। और इसके साथ साथ आप देखें तो मुंबई प्रयास कर रही है कि वो ऐसे शहर को बनाए जिसमें हेल्दी रेजिलियंट एंड क्लाइमेट रेजिलियंट सिटी के रूप में मुंबई बन सके। तो थ्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड अगर आप देखें तो ये लिस्ट देन में इंक्लूड करने के लिए जो संस्था है वो है UN की FAO और ये आर्बर डे फाउंडेशन के साथ मिलके किसी भी सिटी को रिकॉग्नाइज करती है। मुंबई के सिवा हैदराबाद दूसरी शहर है जिसको इस प्रकार से वो थ्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के स्टेटस से नवाजा गया है और पिछले साल भी इसको ये स्टेटस मिला था, तो कंटिन्यूएशन में इस साल भी हैदराबाद को यही स्टेटस मिला है। तो अगर हम न्यूज में देखें तो हैदराबाद को सेकेंड ईयर इन अ रो ये स्टेटस मिला है और उसके पीछे कारण है, अगर हम हैदराबाद की बात करें तो पिछले 2 सालों में 3.5 आप देख सकते हैं 3.5 करोड़, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 3.5 करोड़ से ज्यादा पेड़ प्लांट किए गए हैं हैदराबाद शहर में पिछले 2 सालों में। मुंबई में भी दोस्तों ये नंबर अगर आप देखें तो 40 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। एंड इस प्रकार से मुंबई में भी ग्रीनरी को एक्सपैंड किया जा रहा है बहुत तेजी से। तो अगर हम टोटल देखें तो 136 अन्य शहर हैं 21 देशों में जो कि ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के उस पैटर्न लिस्टिंग में इंक्लूडेड है। और अगर आप शहरों को देखें तो सबसे ज्यादा शहर आते हैं US से, 37 सिटीज USA के इंक्लूडेड हैं एज दी ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। UK के पास भी आप देखें तो 19 ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड है, कनाडा के पास 18 है। इससे आप एक पैटर्न देख सकते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री है उनके पास ज्यादा शहर है ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में, यानी कि उनके पास ज्यादा शहर है जो कि ग्रीन भी हैं। तो ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में इंक्लूड होने के लिए कुछ तो क्राइटेरिया होगा, आइए वो क्राइटेरिया देखते हैं। दोस्तों 5 क्राइटेरिया दिया गया है यदि किसी भी शहर को एज अ ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करना है। तो नंबर 1 है, एक रिटन स्टेटमेंट होना चाहिए जिसमें जो पेड़ है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जो जिम्मेदारी है वो वहां के नागरिक को किसी को डेलीगेट करना है। दूसरा, कोई लॉ होनी चाहिए, कोई ऑफिशियल पॉलिसी होनी चाहिए जो कि उस शहर के पेड़ों को, जंगल को मैनेज, जिसके द्वारा वहां के जंगल को, पेड़ को मैनेज किया जाता है। इसके सिवा जितने भी लोकल पेड़ हैं उस शहर में उनका असेसमेंट होना चाहिए कि कितने लोकल पेड़ इस शहर में मौजूद हैं, तो वो इन्वेंटरी अपडेटेड होनी चाहिए। इसके सिवा एनुअल बजट से कुछ पैसे आवंटित किए जाने चाहिए ट्री मैनेजमेंट के लिए और इस प्लान को इम्प्लीमेंट भी किया जाना चाहिए। इसके सिवा एक एनुअल सेलिब्रेशन होना चाहिए, वन महोत्सव जैसे हम मनाते हैं कुछ इस प्रकार का एनुअल सेलिब्रेशन होना चाहिए जिसमें ट्रीज को सेलिब्रेट किया जाए एंड सिटीजन में अवेयरनेस आ सके कि क्यों पेड़ को संरक्षित करें, क्यों पेड़ को बचाएं। तो ये 5 क्राइटेरिया जो शहर मीट करते हैं उनको ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के स्टेटस से नवाजा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड स्टेटस है UNFAO
आर्बर डे फाउंडेशन के साथ मिलकर देती है। यूएनएफएओ क्या है तो आप सब जानते ही होंगे, आइए आर्बर डे फाउंडेशन के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों ये एक एनजीओ है जो 1972 से एफॉरेस्टेशन ट्री प्लांटेशन के लिए एक्टिवली काम कर रही है और कहा जा रहा है पिछले 50 सालों में इनकी साइट में ये कहते हैं कि 500 मिलियन से ज्यादा पेड़ इन लोगों ने लगवाए हैं, प्लांट किए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्ल्ड वाइड। तो वर्ल्ड वाइड ये काफी तेजी से जोर शोर से काम कर रहे हैं एंड 50 साल हो चुके हैं इनको काम करते हुए और इनका कहना है कि ट्रीज प्लांट करने के लिए वर्ल्ड के लार्जेस्ट एनजीओ भी हैं। तो क्यों ट्री वर्ल्ड ट्री सिटी स्टेटस क्यों इंपॉर्टेंट है, ये ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड से क्या बेनिफिट है? दोस्तों सबसे पहले तो देखें आप आईपीसीसी रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो टाइम एंड अगेन वॉर्न किया जा रहा है स्पेशली मुंबई जैसे शहर जो कि कोस्टल सिटी है कि मुंबई के कुछ पार्ट्स डूब जाएंगे अगर सी लेवल राइज करेगी। तो इसमें अगर हमारा कोई फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगा तो वो वहां के आप पेड़ होंगे, स्पेशली जो मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको देखने मिलता है मुंबई में, उनको बचाना बहुत जरूरी है क्योंकि वो अगर आप देखें तो ना सिर्फ कार्बन सिंक का काम करते हैं, वो नेचुरल बफर है जो कोस्टल इरोजन फ्लडिंग से इन सब से हमें बचाएंगे और मुंबई जैसे शहर को डूबने से भी बचाएंगे। तो मुंबई अगर इस प्रकार से एक्टिवली अपने पेड़ों को संरक्षित करने में आगे बढ़ेगी, इस प्रकार के एक्टिविटीज को परस्यू करेगी तो वो दिन दूर नहीं है जब मुंबई ना सिर्फ हरी भरी होगी बल्कि कोस्टल इरोजन के खिलाफ भी हम एक नेचुरल वॉल ऑफ डिफेंस बना सकेंगे। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया डेवलप्ड कंट्रीज अगर आप देखें तो उनके यहाँ सबसे ज्यादा ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड आपको देखने मिलेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स के पास 37 सिटीज हैं, यूके की बात करें तो 19, कनाडा की बात करें तो 18, चाइना में एक भी ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड एज ऑफ नाउ नहीं है ये याद रखिएगा, और भारत में 2 है। ये बता रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज में कहीं ना कहीं ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड का स्टेटस ज्यादा देखने मिल रहा है। तो दोस्तों पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपको कहना चाहूंगा, अर्बन एनवायरनमेंट में भी, अर्बन इकोलॉजी के लिए भी अगर आप देखें तो वो ग्राउंड वाटर में जो पानी है उसको सीप करवाते हैं और वाटर क्वालिटी इंप्रूव करती है। तो ग्राउंड वाटर जो टेबल है, ग्राउंड वाटर टेबल, वो इंप्रूव करता है जहां पे पेड़, जहां पे एफॉरेस्टेशन होता है उन शहरों में जहां पे ग्रीनरी होती है। इसके सिवा ये पेड़ अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो एनवायरनमेंट को कूल करते हैं, एनर्जी को भी सेव करने में काम करते हैं। तो इस प्रकार से वो शहर जो हरे भरे होते हैं वो ठंडे भी होते हैं, तो एसी से लेके कूलिंग का, कूलिंग का जो बिल है वो काफी कम आता है, एनर्जी भी सेव होती है एंड एट द सेम टाइम अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट से भी कहीं ना कहीं वो रिड्यूस करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसके सिवा जब बाढ़ आता है तो स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ये पेड़। दोस्तों एक प्रकार के स्पॉन्ज का काम करते हैं जिस वजह से जब बारिश ज्यादा हो जाती है तो वो एक्सेस वाटर को खींच लेते हैं, जो रूट्स हैं वो इंश्योर करवाते हैं कि पानी जो ग्राउंड है उसमें परकोलेट कर सके। इसके सिवा कार्बन स्टॉक हैं ये बहुत बड़े, तो क्लाइमेट चेंज में जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करना होता है इसमें बहुत बड़ा रोल इन पेड़ों का होता है। इसके सिवा सॉयल इरोजन से बचाते हैं और शहरों में जो बढ़ता नॉइज पोल्यूशन है उसको भी अगर आप देखें तो जहाँ पे ग्रीन बेल्ट्स होते हैं वो इस प्रकार के नॉइज पोल्यूशन को भी आप देखेंगे तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके सिवा जो आसपास के वाटर बॉडी होते हैं, जब ग्राउंड वाटर, जब सरफेस वाटर फ्लो कर रहा होता है एक्सेस बाढ़ का, तो जितना भी पोल्यूटेंट है सरफेस में वो उसको बहाता हुआ उस वाटर बॉडी में ले जाता है। लेकिन अगर वहां पे ग्रीन कवर हो, हरे भरे पेड़ हो, तो वो वाटर को आप अगर देखें तो कहीं ना कहीं सीप करवा देंगे और पानी अगर आप देखें तो ग्राउंड में, ग्राउंड वाटर में चला जाएगा। तो इस प्रकार से वो पानी भी फिल्टर होके ग्राउंड तक जाएगा तो वाटर क्वालिटी भी इंप्रूव होगी और वही जो आसपास वाटर, जो भी सोर्स है, जो भी आप देखें वेटलैंड है, वहां पर समर्स में वही ग्राउंड वाटर उसे रिजर्वायर को रिचार्ज भी करता रहेगा। तो इस प्रकार से गुड क्वालिटी वाटर भी मेंटेन होगी, पॉल्यूशन भी कम होगा और जाहिर सी बात है बायोडाइवर्सिटी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। कितने पशु पक्षी हैं जिनके लिए ये पेड़ आप देखें तो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का काम करती है। और अगर हम एस्थेटिक पर्पज की बात करें तो जाहिर सी बात है जिन शहरों में हरा भरा शहर होता है वो कम्युनिटीज के लिए मोर अट्रैक्टिव होती है और उनके मेंटल हेल्थ के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, फिजिकल वेलबींग के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके सिवा दोस्तों तो दो शहर जिनको ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड स्टेटस है दोस्तों, एक मुंबई है, दूसरा हैदराबाद है। बाकी देखिए आपके लिए एक होमवर्क मैं आज की क्लास में दे रहा हूं, मुझे आपको बताना है दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, इनमें लॉन्जिट्यूड में कितना अंतर है। वैसे ही आप मुझे बताएंगे बैंगलोर और चेन्नई, इनके लैटिट्यूड में कितना अंतर है। वैसे ही जयपुर, लखनऊ कितना अंतर है और मुंबई, भुवनेश्वर
कितना अंतर है, तो ये मुझे आपको बताना है। दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु चेन्नई, मुंबई भुवनेश्वर, जयपुर लखनऊ, तो ये आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में आज बताने वाले हैं। तो दोस्तों आपको पसंद आई हो क्लास तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसके सिवा अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूपीएससी सीएससी मेगा कॉम्बैट है, हर संडे अरेंज करते हैं, तो आप आई होप आप इसका हिस्सा बन रहे हैं एंड इसको रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं। इसके सिवा बहुत जबरदस्त न्यूज है दोस्तों, ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है 24 अप्रैल को, तो ये आप मिस नहीं कर सकते। ये ऑनलाइन ही नहीं ऑफलाइन भी हम अवेलेबल करवा रहे हैं दिल्ली में, ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में, तो इसका हिस्सा जरूर बनिए। एंड अगर आप वहां पर नहीं है तो आप ऑनलाइन जरूर दे सकते हैं, बिल्कुल प्रीलिम्स पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। एनरोल फॉर फ्री करें यूज़ द कोड KC10। इसके सिवा पाथफाइंडर करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, आप देख सकते हैं सैटरडे 5 PM होती है, तो यूज़ द कोड KC10 एंड मेक श्योर टू एनरोल। अनअकैडमी नोट्स, आर्टिकुलेट मैगजीन जैसी चीजें आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके सिवा अनअकैडमी लाइट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों, 28 टेस्ट ₹3149 में आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो 56 टेस्ट है जो कि 12 महीने की सब्सक्रिप्शन के लिए वैलिड है, ये 4,409 रुपये में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो निश्चिंत होकर आप यूज़ कर सकते हैं कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों लास्ट माइल इंटरव्यू प्रोग्राम है एंड मॉक इंटरव्यूज हम रन करवा रहे हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है जिसमें लाइव मेंटरशिप होती है, स्टडी प्लानर होता है, प्लस सब्सक्रिप्शन की एक साल की कीमत है ₹46,791, एक साल की आइकॉनिक की कीमत है ₹67,041। ये सारी कीमत तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक साल की ऑप्शनल कीमत ₹24,750 है ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों 0% EMI में लोन भी अवेलेबल है, इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। और बहुत सारे मेरे कोर्स हैं, स्पेशल क्लास की बात करूं तो संडे टू थर्सडे 4 PM to 6 PM हम रन करते हैं निकालो प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, जिसमें 2021 एंड अभी रन कर रहे हैं 2020 और 2022 के करंट अफेयर्स हमने कवर कर लिए हैं, तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ये मॉक टेस्ट आप अगर देखें तो करंट अफेयर्स कवर किया जा रहा है। प्लस कोर्स भी आप देख सकते हैं, एनवायरमेंट ज्योग्राफी मैंने कवर करवाया है, तो आप इनका भी फायदा उठा सकते हैं, यूज द कोड KC10। इसके अलावा UPSC बैचेस हैं, April 20 से हम स्टार्ट करने वाले हैं, आप देख सकते हैं 1 year 2 year बैचेस हैं, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल तीनों ही बैचेस आपको देखने मिलेंगे। इसके सिवा अनअकैडमी में दोस्तों आप देख सकते हैं बेस्ट इन क्लास रेटिंग है, लर्नर्स 55,000 से ज्यादा टेस्ट में एनरोल कर चुके हैं, तो आप इससे दूर मत रहिए, आप भी जल्दी से आइए इसको ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड Do subscribe using the code KC10 and have a great day. Thank you.